डिप्रेशन क्या होता है इसके बारे में काफी लोगों के सवाल आते हैं, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। डिप्रेशन बहुत ही कॉमन बीमारी है। साइकेट्री की जो मनोविकार जितने भी उसमें से नंबर एक है डिप्रेशन, और बाकी सभी बीमारियों में डिप्रेशन का नंबर चौथा या पांचवा भी है। हर 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को कभी ना कभी डिप्रेशन जिंदगी में होता है, और कभी भी एट एनी गिवन टाइम 10 से 15% लोग डिप्रेशन से ग्रसित होते हैं। तो डिप्रेशन होता क्या? देखिए, नॉर्मल मूड नहीं रहना, मूडी होना, डाउन लगना, उदासीन का, ये नॉर्मल है। मगर अभी ये उदासीनता या दुखी रहना या सैडनेस यदि 14 दिन से ज़्यादा रहता है, और जिस वजह से वो आया हुआ है वो वजह निकलने के बाद में भी सैडनेस है, तो डेफिनेटली हमने सोचना चाहिए कि डिप्रेशन। तो इसमें फिर दूसरा होता है क्राइंग। बिना वजह आदमी रोता है, या स्त्री होंगी तो मतलब वो रोते हैं बिना वजह, कम वो समझता नहीं कि ऐसा रोना क्यों आ रहा है। छोटी छोटी बात होती है तो बिल्कुल पानी बहना चालू हो जाता है, रोना चालू रहता है, और उनको विचार जो है वो निगेटिव विचार रहते हैं, सभी नकारात्मक विचार। ये अच्छा नहीं होगा, वो अच्छा नहीं होगा, मैंने बहुत गलती की हुई है, होपलेसनेस, कोई आशा दिखती नहीं है, आगे तो कुछ अच्छा होने वाला है नहीं, जो भी हुआ सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ऐसा हुआ है, ऐसे हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, ऐसे विचार आते रहते हैं। और निगेटिव विचार, गिल्ट के विचार, कि भाई मैं अपराध बोध की भावना, पश्चाताप होता है, रिग्रेट। फिर चौथा है कि कोई काम में मन नहीं लगता, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ना पढ़ाई में, ना कोई काम में, ना गृह काम में, कुछ भी कहीं भी उसको इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई प्लेजर ही नहीं है। जो पहले अच्छा लगता था, जो काम करने में पहले मजा आती थी, बाहर जाना है, घूमना फिरना है, पिक्चर देखना है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लगता उसको। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ पढ़ाई नहीं है। कुछ लोगों को नींद नहीं आती, तो कुछ लोगों को नींद आती नहीं, मतलब फॉलिंग अस्लीप, नींद लगना बेड पर जाने के समय बहुत टाइम लगता है। या कुछ लोगों को नींद तो आ जाती है, सवेरे जल्दी उठ जाते हो, 3 बजे 4 बजे उठ जाएंगे। फिर कुछ लोगों को भूख नहीं लगती इसमें, और कुछ लोगों को ज़्यादा भूख लगती है, तो भूख नहीं लगने का प्रमाण ज़्यादा है, उसके भूख नहीं लगती, खाने की इच्छा नहीं होती, वजन कम हो जाता है, और लक्ष्य केंद्रित नहीं रहता, कोई भी पढ़ाई में, कोई भी काम में, ऐसा अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। फिर भुलक्कड़पना होता है, चित्त नहीं लगता कोई काम में, बेचैनी लगती है, तो ये ऐसा चालू रहता है दिमाग में। उदासीनता है, रोना है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, उत्पादन क्षमता नहीं है, कुछ काम नहीं कर सकते। इसमें होता ज़्यादा कुछ नहीं है, मगर ये लोग उसमें से 15% लोग खुदकुशी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये नेगेटिव थॉट आ गए, तुम तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, इससे अच्छा अपनी लाइफ खत्म कर डालो। ये होता क्यों है? एक तो फैमिली कॉजेस है, फैमिलियर जेनेटिक कॉज है, घर में कोई डिप्रेशन है तो उसको बच्चों को डिप्रेशन आ सकता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गए, तान तनाव है, फाइनेंशियल लॉस, एग्जाम में फेल हो गए, प्रमोशन नहीं मिला, ट्रांसफर हो गया, शादी में झगड़े, डिवोर्स है, मतलब कोई भी स्ट्रेस हो गया तो डिप्रेशन आ सकता है। कुछ लोगों को बिना काम का ही आता है, मतलब कुछ कारण नहीं है, सिर्फ केमिकल लोचा होता है, केमिकल इम्बैलेंस। स्टडीज ऐसी बोलती है कि नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, सीरोटोनिन, ये जो केमिकल्स है ब्रेन के, उनकी मात्रा कम हो जाती है, सेंसिटिविटी कम हो जाती है, उसके वजह से डिप्रेशन आता है। अभी समझो ऐसा है तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं? एक तो क्या है कि एंटी डिप्रेशेंट्स है, मतलब जो केमिकल्स कम है वो केमिकल्स बाहर से दो और उसका लेवल बराबर कर दो तो लोगों को अच्छा लगता है। उसके साथ साथ काउंसिलिंग है, बातचीत करना, और निगेटिव थॉट्स जो पेशेंट के है उसको देखने का नजरिया जो है, उसका व्यू है, वो बदलने के लिए काउंसिलिंग करना है। जो उसको सब निगेटिव निगेटिव निगेटिव, होलप्लेस हेल्पलेस लगता है, अभी उसमें क्या कर सकते हैं वो देखना है। तो वो उसको बताना है कि भाई ये जो आप सोच रहे हैं ये कैसा गलत है, ये कैसा अवास्तव है, ये कैसा इरेशनल है, ये कैसा इलॉजिकल है, और अभी आप और क्या कर सकते हैं, और क्या विकल्प है। कोई भी एंटी डिप्रेशन ये एडिक्टिव नहीं होता। लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं एडिक्शन हो जाएगा, नींद की गोलियां नहीं खाने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा होने के बाद में आप एंटी डिप्रेशन बंद कर सकते हैं। तो दोनों ने देखे, एक तो नजरिया बदलना विचारों का देखने का, दवाई खाना, और क्या कर सकते हैं इसमें, और आप मेडिटेशन कर सकते हैं, सेल्फ हिप्नोथेरेपी, सेल्फ सजेशंस ले सकते हैं, फिर एक्सरसाइज, योगा, खान पान टाइम पे करना, नींद अच्छी लेना, तो ये सब आप करते हैं, और लोगों की मदद करना, लोगों की मदद करना, लोगों के लिए स्टैंड लेना, लोगों के लिए खड़े रहना, उसमें बहुत अच्छा लगता है डिप्रेसिव आदमी को, बहुत मज़ा आता है उसको, और जल्दी डिप्रेशन ठीक हो जाता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, ताकि लोग डिप्रेस नहीं रहेंगे, लोग डिप्रेशन में खुदकुशी भी कर लेते हैं, 6 से 9 महीने प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है,
आप इसके बारे में कोई भी सवाल होंगे तो आप मुझे कांटेक्ट करो। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन वीडियो कॉल करते हैं, हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारा मिशन जो है उसमें आप पार्टनर बन सकते हैं, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल और एडिक्शन फ्री इंडिया, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। थैंक यू वेरी मच।